हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने चैनल में। आशा करती हूँ आप प्रसन्नतापूर्वक होंगे और लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ मुख्य द्वार पर लगाने वाली चीज़ें के बारे में। मुख्य द्वार पर बनी हुई चीज़ें आपके भाग्य को चमका भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, तो आपको अपने भाग्य को चमकाने का यत्न करना चाहिए। लेकिन इससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मान बढ़ाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोग मुख्य द्वार पर राक्षस का मुखौटा लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से राक्षसी शक्तियाँ उपद्रव मचाने लगती हैं, नेगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है। कुछ लोग शनि की नाल लगाते हैं, लेकिन शनि जिनके लिए शुभ हो उन्हीं को ये नाल लगानी चाहिए, अर्थात वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न या मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी ये नाल नहीं लगानी चाहिए। पाकुआ दर्पण कोई भी लगा सकता है, जिसका मुख्य द्वार अन्य किसी मुख्य द्वार के आमने सामने हो उसको तो ज़रूर लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर बाहर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। आपका मुख्य द्वार साफ सुथरा होना चाहिए। कांटेदार वृक्ष भूलकर भी नहीं लगाने चाहिए। मुख्य द्वार पे सफ़ेद आंकड़ा अच्छा रहता है, काला धतूरा भी अच्छा रहता है। मुख्य द्वार अगर दक्षिण दिशा की तरफ ना हो तो तुलसी भी लगाई जा सकती है। दक्षिण में या आग्नेय दिशा में मनी प्लांट लगाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आप नृत्य में अगर मुख्य द्वार है तो लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ भी अगर मुख्य द्वार है तो हनुमान जी की तस्वीर अवश्य लगाएं। मुख्य द्वार पर चप्पलों का मिट्टी में सँधा हुआ ढेर नहीं रहना चाहिए। मुख्य द्वार साफ सुथरा रहना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।